हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो सुबह की क्लीनिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं, नाश्ता पानी भी बन चुका है। तो फ्रेंड्स, बस मैंने अपने रूम की क्लीनिंग करना स्टार्ट कर दिया है। तो काफ़ी दिनों से मैंने अच्छे से साफ़ नहीं किया था, तो मुझे जो सिंक वाला नया झाड़ू भी रखा हुआ था जो बहुत लंबा है, तो बस मैंने देख लिया कि चलो भाई, आज तो मॉर्निंग में अपने रूम की क्लीनिंग अच्छे से कर ही ली जाए। तो ये देखिए, पंखे पे थोड़ा सा मतलब धूल मिट्टी जमी हुई है, और लेकिन मैंने कुर्सी वर्सी कुछ नहीं रखी थी, तो झाड़ू से ही अच्छे से इसे लगा रही हूँ, मतलब साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि झाड़ू बहुत लंबा था और जो भी जाले वाले हैं तो सब इसी से साफ़ करूँगी। और बहुत अच्छा भी झाड़ू है, आराम से इससे साफ़ भी हो जाएगा। तो बस आज हमने सोच लिया है कि आज अपने रूम की क्लीनिंग करनी ही करनी है। तो फ्रेंड्स, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो इतना टाइम नहीं मिलता है कि अच्छे से क्लीनिंग कर पाएँ, क्योंकि फिर और भी काम रहता है, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेज कर अपना लंच वगैरह बनाने का बहुत काम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज लंच भी मैं थोड़ा लेट बनाऊँगी, क्योंकि सभी के लिए नाश्ता बना दिया है और कल जन्माष्टमी भी है, तो इस वजह से मैं आज अपने रूम की सफाई कर रही हूँ और दिन में मुझे करनी है मंदिर की सफाई। तो फ्रेंड्स, आज हमने ठान लिया है कि आज हमें करना है रूम की क्लीनिंग। तो बस बड़े वाले झाड़ू से कमरे के कोने कोने से एकदम साफ, जाले वगैरह सब साफ कर दिए हैं। तो कभी कभी मन करता है कि अच्छे से सफाई कर दो, लेकिन कहीं भी थोड़ा सा भी गंदा नज़र आ जाए ना, तो ऐसा लगता है कि आज बहुत गंदा हो रहा है, तो इसे साफ़ कर दो। तो बस मैं शुरू हो जाती हूँ, जो भी मुझे वैसा लगता है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये जो सामान वगैरह रखे हैं, तो ये बच्चों के मतलब नए वगैरह, ये मतलब जो जूते वगैरह होते हैं वो इसके ऊपर रख दिए हैं मैंने, क्योंकि चूहे का आतंक बहुत है हमारे इसमें कमरे में, तो इस वजह से मैंने अलमारी के ऊपर रख दिए हैं, क्योंकि ये कभी कभी चाहिए थे, पार्टी वियर जूते वगैरह हैं तो मैंने ऊपर ही रख दिए हैं। तो इन्हें तो मैं ऐसे अच्छे से कपड़े मार ही देती हूँ डेली डेली। और ये देखिए, मैंने पूरा अच्छे से फटकार लिया है, और बड़े झाड़ू ने तो कमाल कर दिया, कुर्सी वगैरह रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो हमने इसी से साफ़ कर दिया, एक भी जाला भी नहीं रहा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मुझे थोड़ा सा टाइम भी हो गया है, मतलब लेट हो गई थी, तो इसी वजह से क्लीनिंग करने में तो ऐसे ही लेट होते हैं। तो पर्दा भी बंद कर दिया, जिससे कि थोड़ा सा रोशनी ज़्यादा आ रही थी, और वीडियो में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो बस हम लगा रहे हैं अब झाड़ू, क्योंकि ऊपर से अच्छे से हमने जाले वाले सब साफ कर लिए हैं, बस नीचे हमारे झाड़ू लगा रहे हैं साफ तरीके से, और फिर लगाएंगे पोछा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कमरा मेरा हो चुका है क्लीन एकदम, और वही होता है ना कि जो जाले वाले साफ़ हो जाए तो कमरा अपने आप ही क्लीन हो जाता है, अच्छा भी लगता है, और जब जाले वगैरह लगे होते हैं तो खुद को भी नहीं अच्छा लगता, तो दूसरे तो बाद में कहेंगे, पहले तो खुद को नहीं अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, सारे जाले वगैरह सबको साफ़ कर दिया, और अलमारी वगैरह सबके कोने कोने से मैंने मतलब कूड़ा निकाल लिया है, तो मैंने झुक झुक के, तो ये ऐसी क्लीनिंग तो कभी कभी ही होती है, तो ऐसी क्लीनिंग कभी कभी ही होती है, क्योंकि हफ्ते में एक बार या दो बार जब भी मन करे तभी करने बैठ जाओ, जब फ्री हो तभी। तो फ्रेंड्स, आज हमने भी ठान लिया था कि बच्चों को स्कूल भेजकर आज हमें भी अपने रूम की क्लीनिंग करनी है, तो क्लीनिंग हो चुकी है, और देखिए फ्रेंड कितना सारा कचरा निकला हुआ है, जाले भी और ये कचरा भी, जैसे कि अलमारी वगैरह के नीचे, बेड के नीचे, तो ये चूहों के आतंक से बहुत हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी तक के लिए बाय बाय।